के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो जो सी आज की हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल मौसम और ठंड के ऐन मुताबिक आज हम आपको जो बनाना सिखा रहे हैं वो है जी सूप, चिकन वेजिटेबल सूप। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और यहाँ हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों ने सोचा कि मौसम की मुनासिबत से और सर्दी के पेश नज़र क्यों ना आप लोगों के साथ सूप की रेसिपी को शेयर किया जाए। तो अब हम लोग बिना टाइम ज़ाया किए हुए जल्दी से जानते हैं कि चिकन वेजिटेबल सूप की रेसिपी वो कैसे तैयार होगी और इसके लिए कौन कौन से अज्जा हमें दरकार होंगे। जी ममा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना चिकन उबाल के ना बारीक बारीक रेशे रेशे कर लिए, ठीक है। ये बंद गोभी है, इसमें ही ना बारीक बारीक कटी हुई गाजर है। अच्छा, मतलब ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ एक ही बर्तन के। हाँ जी, दो दिए थे ना मैंने इकट्ठे ही, मतलब करके रख लिए थे। ये मैं इसमें डाल देती हूँ, दिखाती हूँ फिर मैं आपको। पहले ये कॉर्नफ्लावर, ठीक है, ये दो अंडे, ये काली मिर्च, नमक, ये आपको पता ही है, चिली सॉस और सोया सॉस, ये पड़ेगी। मतलब ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपने सूप में यूज़ करनी है। हाँ जी, ये मैंने उबाल ली थी पहले। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे पे हम लोगों ने पानी रखा हुआ जो हमने सूप के लिए रखा हुआ, ज़ाया नहीं किया था वो मैंने। यखनी, मतलब वो ही मुर्गी की यखनी। ओके, मतलब यही मुर्गी की यखनी है और हम उसी में सूप को तैयार करें, तो बहुत ही मज़ेदार सा सूप बनने वाला है। क्योंकि मौसम की मुनासिबत से आज हम आपको सूप बनाना सिखा रहे थे। बस आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है और मज़ेदार से सूप की रेसिपी को बना के इन्जॉय करना है। जी तो व्यूअर्स, अब हम लोगों ने वो चिकन उसी यखनी के अंदर डाल दिया है। तो अब ममा आप इसको पकाओगे, क्या करोगे मतलब? हाँ जी, ये पकेगा ना, गाजरें कच्ची हैं ना, शिमला मिर्च वो भी पके, तो वो भी आप इसके साथ ही शामिल करने लगे हो। मैं ला रही हूँ ना ये। हाँ जी, ये देखिए ना, ये और पक जाएगा, गला वाला है कोई ज़्यादा गल जाएगा ना। अच्छा जी, ये देखिए, ये बंद गोभी मैंने धो दी थी, तो ये साथ ही ना इसके ना नीचे वो आ रही हैं गाजरें। ये देखिए, वो अपनी मर्जी से आप ज़्यादा कम कर सकते। मतलब सब्जियों की मकदार, चिकन की मकदार आप अपने टेस्ट से या अपनी मकदार से, आप मतलब ज़्यादा बना रहे हैं सूप तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम बना रहे हैं तो आप लोग कम कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने आपको आइडिया दे दिया। कच्ची है ना, तो आप ये अच्छी तरह पक जाएं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पकने का वेट करना है, इसको हम लोग ढक कर रख देंगे। नहीं पके अभी, उबाला तो चढ़ जाए। ये नमक भी मैंने डाल दिया, काली मिर्च हम बाद में डालेंगे, थोड़ी सी पक जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ इसके अंदर चीज़ें डाल दी, नमक। हाँ, और काली मिर्च। ये अभी कच्ची है ना, ये थोड़ी सी ना पक जाए ना गाजरें, इतने में ना हम ना कॉर्नफ्लावर इसमें डाल लेते हैं। तो कॉर्नफ्लावर हम लोग मिक्स कर लेते हैं। हाँ जी, वो डालेंगे ना, जितना अंदाजे से डालें, मुझे बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। ये मुझे लोचड़े से हम वो इसके अंदर बन जाए, क्लाउड्स बन जाए, और पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही मतलब इक्वल क्वांटिटी में आप लोगों ने इसके अंदर जो से कॉर्नफ्लावर है उसको डालना होता है। आप बनाएंगे बहुत मज़े का बनेगा, आप देखना। और वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, जिससे कि मतलब चीज़ें, हाँ जी यार, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, वो इवन बारिश भी हुई है कल तो हम लोग के यहाँ पे, तो सर्दी की जो शिद्दत है वो ज़्यादा हो गई, एक नई लहर आ गई सर्दी की। और ये जो लहर है, कह रही है कि जनवरी के पूरे माह तक ये मतलब इसी तरह सर्दी रहेगी, तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम लोग सूप बना लें और सर्दी भी है तो आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी को शेयर करते हैं। हाँ, ये पकेगा अच्छी तरह। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो सब्ज़ियाँ इसके अंदर डाली थी वो गल चुकी हैं, तो अब हम लोग इसको अच्छी तरह से पका भी चुके हैं। सब्ज़ियाँ जो सी हैं वो भी तैयार होगी, चिकन हम लोगों ने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था, उसको भी हम लोगों ने शामिल कर दिया, क्योंकि आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो सूप के हवाले से है, विंटर स्पेशल रेसिपी है। और जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो है चिकन वेजिटेबल सूप। बहुत अब ईज़िली आप लोग बिल्कुल होटल बाज़ारों जैसा सूप घर में आसानी बना सकते हैं। तो ममा अब हम लोग इसके अंदर क्या शामिल करेंगे? ठीक है, तो व्यूअर्स अब हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर के अंदर ऐड करना है, और इसको ऐड करने का एक खास तरीका है जी मामा, वो भी जरा बता दे हमारे देखने वालों को। साथ साथ हिलाते रहना इसे। जी बिल्कुल, ये तो गुठलियां बन जाएंगी ये।
आप लोगों ने जैसे ही इसको डालना है इसको एक हाथ से चम्मच को लाजमी हिलाते रहना है ताकि जो सी है इसके अंदर वो क्लाउड्स ना बने। और ये साथ मैंने काली मिर्च भी डाल दी इसके। ओके, तो मतलब लास्ट पे डाली है, आप लोग देख सकते हैं कि काली मिर्च को पहले हम लोगों ने नहीं डालना, कड़वी हो जाती है, कड़वा हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको लास्ट पे डाला है। अब ये देख रहे हैं ना हम लोग के मतलब और खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें आपके ख्याल से बेटा कैसा है? थिकनेस सही है। थोड़ा और ना डाल दूं? नहीं, फिर ज्यादा ही नहीं थिक हो जाएगा, आई थिंक सही है। नहीं, होटलों में तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है, थोड़ा गाढ़ा बहुत कर लेते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं। फिर अंडे भी डालते हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है दिखने में ये। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, साथ साथ ना हिलाना है, अंडा डाल लेना साथ साथ ऐसे हिलाते रहना। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों से छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा, मैंने भी उसको टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छा है। सर्दी की वजह से ना जुबान भी ऐसी हो रही है। तो अब हम लोग इसको मजीद पकाएंगे कि बस अब ये, क्योंकि हम लोग अंडा डाल के इसको अच्छी तरह से हिला लिया है, अब ये चिली सॉस और सोया सॉस ऐड करेंगे हम लोग लास्ट पे। ये देखिए, तो एक बड़ा चम्मच जौन सा है हम लोगों ने इसके अंदर चिली सॉस का शामिल किया है, तो इतनी मिकदार में हम लोग इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे, तो इतनी सेम मतलब क्वांटिटी में हम लोगों ने इसके अंदर जो चिली सॉस है वो ऐड करना है। ये देखो इसका कलर बदल गया, कलर भी चेंज हो गया और थिक भी हो गया। हमने कॉर्नफ्लावर भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, जो एग्स है वो भी डाल दिए। देखिए अभी ये रेडी सा कलर हो गया इसका। अब आप टेस्ट करें ना फिर देखें। तो व्यूअर्स मैं इसको टेस्ट करती हूँ, बहुत ही मज़ेदार सा ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारा है चिकन वेजिटेबल सूप बन चुका है। इसकी थिकनेस भी बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। देखिए माशाल्लाह ना बिल्कुल देखें तैयार हो गया, कैसा प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो हमारी सूप की रेसिपी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। तो व्यूअर्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कभी ना सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें, ताकि आपको इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी जो सी है रेसिपीज़ उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज सर्दी की मुनासिबत से, सर्दी के हवाले से आज हम लोगों ने आपके साथ जो रेसिपी शेयर की है वो है सूप की। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी, तो इसको हमने डिश आउट कर लिया, उसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स ये है हमारी आज की रेसिपी जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है चिकन वेजिटेबल सूप की, बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। तो हम लोगों ने इसको जो सा है आपके सामने डिश आउट भी कर लिया है, उसकी हमें डेकोरेशन की है चिली सॉस सोया सॉस के साथ, और अभी बिल्कुल फाइनल हो चुका है। तो व्यूवर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो व्यूवर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।